वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने सीखा प्रश्न संख्या 3 और उसके भाग। इस वीडियो में हम सीखेंगे बेटा प्रश्न संख्या 4। देखिएगा क्या कह रहा है, 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी SN बराबर 636 योग प्राप्त करने के लिए AP अर्थात A बराबर, देखिएगा A बराबर कितना, 9। A बराबर कितना बेटा, 9। कितने पद लेने होंगे अर्थात N हमसे पूछा गया है, तो N बराबर कितने पद लेने होंगे। और D की वैल्यू बेटा 17 में 9 गया तो कितना आ जाएगा बेटा, 8। 17 में 9 गया तो कितना आ जाएगा बेटा, 8। यानी और 25 में 17 गया तो तब भी कितना आएगा बेटा, 8। समझ में आया ना, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो हमें N, अब N की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो SN बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा, तो N by 2 कोष्ठक में कितना बेटा, 2A plus N minus 1 into क्या बेटा, D। बात समझ में आई ना, SN की वैल्यू कितने बेटा, 636 बराबर N by 2 कोष्ठक में कितना बेटा, 2A, तो 2 गुणे कितना आ जाएगा बेटा, 9 प्लस कितना आ जाएगा बेटा, N निकालना है N minus 1, ठीक है, और into D की वैल्यू कितनी बेटा, 8। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? ये इधर गुड़े में भाग में, उधर जाए गुड़े में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 2 6 12 की 2 हंसी लाएं, 2 3 6 6 कितना बेटा, 7, और 2 6 कितना बेटा, तो 1272 बराबर कितना बेटा, N 9 2 9 कितना बेटा, 18 प्लस, ठीक है, इसका गुड़ा इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है, तो आ जाएगा बेटा 8N माइनस का कितना, 8। समझ में आना, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे बेटा, 1272 बराबर कितना, N, ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा 10 प्लस कितना आ जाएगा बुआ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 8N। समझ में आना, अब एक काम करेंगे, N का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, गौर से समझिएगा, 1272 बराबर 10N और कितना आ जाएगा बेटा, प्लस कितना बेटा, 8N स्क्वायर। समझ में आना, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, किस में बेटा, माइनस में, तो कितना आ जाएगा बेटा, गौर से समझिएगा, 0 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 8, क्रम से लिख लेंगे 8N स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा बेटा, 10 प्लस का 10N और माइनस का कितना बेटा, 1272। बताइए भाई, इतनी चीज़ समझ में आई ना, कोई दिक्कत इसमें? अब एक काम करेंगे, काम क्या करेंगे, कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल कॉमन मिलेगा, ठीक है, गौर से देखिएगा, दोनों से कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिलेगा बेटा, 2, ठीक है, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 0 बराबर कितना आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो 4N स्क्वायर और प्लस का कितना बेटा, 5N माइनस, ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 और कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा बेटा, 3 और कितना आ जाएगा, फिर से 6। समझ में आना, तो 0 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस का कितना बेटा, 636 बराबर कितना आ जाएगा बेटा। देखिएगा आप क्या करा लीजिएगा भाई, इसके फैक्टर करा लीजिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा 636 का गुणा 4 में कराइएगा, इसके बाद फैक्टर कराइएगा और ऐसा जोड़िए घटाइएगा कि 5 आ जाए, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 4N प्लस, ठीक है, इसको लिख सकते हैं बेटा 53 माइनस का क्या लिख सकते हैं, 48N माइनस का कितना बेटा, 636 बराबर का कितना आ जाएगा बेटा। मैं कर सकता था परंतु वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए उसको शॉर्ट में कर दिया, ठीक है, बाकी कर लीजिएगा, गलत नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 4N स्क्वायर प्लस बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 53N माइनस का कितना, 48N और माइनस का कितना बेटा, 636 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 0, ठीक है, इससे कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल n कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा कितना बेटा, 4N माइनस का कितना बेटा, 53। समझ में आना, माइनस इससे क्या कॉमन मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा 12, क्या कॉमन मिलेगा बेटा, 12, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हाँ इससे 12 कॉमन मिल जाएगा, ये प्लस का है, और जब कॉमन ले लेंगे माइनस का 12 तो आ जाएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा बेटा, 4N और प्लस का कितना आ जाएगा बेटा, 53 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 0। कोई दिक्कत इसमें? तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इससे क्या कॉमन मिलेगा, तो इससे कॉमन मिलेगा 4N प्लस का 53 और इससे क्या कॉमन मिलेगा बेटा, यानी पूरा कॉमन मिल गया तो बचेगा क्या, N माइनस का कितना, 12 बराबर का कितना आ जाएगा बेटा, 0। एक बार कर लेंगे, 4N प्लस का 53 बराबर 0, एक बार कर लेंगे N माइनस 12 बराबर 0, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, N बराबर कितना बेटा, 12 प्लस का आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा, 4N इक्वल टू माइनस का कितना बेटा, 53, तो N बराबर कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 53 बटे कितना बेटा, 4N, ठीक है, माइनस की वैल्यू नहीं ली जाती तो N बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 12। कोई दिक्कत? नोट डाउन।